नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडीएफ न्यूज और मैं हूं आर के रोशन। खबरों का सफर शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। मानसून की एंट्री से पहले ही सताने लगा बाढ़ का खतरा, आज करेंगे हाई लेवल मीटिंग। बिहार बीजेपी की देर रात बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग, बिहार प्रभारी अध्यक्ष समेत कई अन्य नेता रहे मौजूद। माल सलामी थाना क्षेत्र के जयरामसा रोड स्थित प्रिया टिम्बर से लकड़ी की हुई चोरी, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। वर्चुअल कार्यकर्ता सम्मेलन के अंतिम दिन बोले नीतीश, फिर मौका मिला तो हर खेत को मिलेगा पानी। अब खबरें विस्तार से। मानसून की बिहार में एंट्री से पहले बिहार सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। मानसून की दस्तक और बाढ़ के खतरे को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार आज हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ पूर्व की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ पूर्व समीक्षा को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिलों के डीएम एसपी के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग करेंगे और बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जो निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं उसको लेकर क्या तैयारी की गई है उसकी समीक्षा करेंगे। पप्पू यादव ने शुक्रवार अपने मंदिर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता किया, नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। पप्पू यादव ने कहा कि एसटीईटी पर लाठीचार्ज किया है वो कहीं से भी जायज नहीं है। जब सरकार कहती है कि एसटीईटी परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई थी तो फिर उसे रद्द क्यों किया गया। दरोगा अभ्यर्थी मामले पर भी नीतीश पर पप्पू यादव ने सवालों के घेरे में लिया और कहा कि परीक्षार्थी और दरोगा अभ्यर्थियों की मांग को लेकर हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर प्राइवेट स्कूलों पर भी जमकर निशाना साधा था और कहा कि स्कूल वाले जो कर रहे हैं, दुकानदार जो 3 महीने से उसकी तमाम ऐसी चीजें जो पूरी तरह से लोग परेशान हैं, लेकिन आप तमाम मुद्दों को लेकर चुप हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच हो, वर्तमान रिजल्ट को रद्द करने करके पुनः जांचोपरांत रिजल्ट जारी किया जाए। एसटीईटी पर लाठी चलाना बंद करिए, सरकार अपना स्पष्ट स्टैंड बताइए। परीक्षा यदि को आपने रिजल्ट रद्द किया, आप खुद कह रहे हैं कि एसटीईटी का परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी हुई है, तो फिर रद्द क्यों? यदि रद्द करना जरूरी है जो गलत है, आप अविलंब 2 सप्ताह के अंदर एसटीईटी का रिजल्ट दे। हम पूरी तौर पर एसटीईटी छात्राओं के साथ और दरोगा सिपाही भर्ती के छात्राओं के साथ आर पार की लड़ाई। चलो बिहार को बचाना है, क्रांति की मिसाल बजाना है। आरएलएसपी के प्रदेश कार्यालय को खाली कराने के लेकर पुलिस पहुंची हुई है। कई प्रशासनिक अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात हैं। बताते चले आपको, यहाँ नई बिल्डिंग बनाने को लेकर खाली कराया जा रहा है। जिस जगह पर आरएलएसपी का कार्यालय है वहाँ पर कमर्शियल टैक्स बिल्डिंग बनाया जाना है। इसको लेकर इस कार्यालय के साथ साथ कई और भवन को तोड़ा जाना है। प्रशासन ने उसको लेकर पहले ही नोटिस जारी भी किया था। बिहार में इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। कोरोना काल में चुनावी सरगर्मी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अब चुनावी मोड में दिखने लगी है। हर पार्टी अब चुनाव के समर में उतरने को तैयार है। चुनावी माहौल में सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल मीटिंग कर नेताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री संजय झा ने तेजस्वी यादव के अनुभव पर सवाल खड़ा किया है। संजय झा ने कहा है कि महागठबंधन में जिसे नेता बनाने की कोशिश हो रही है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर और अनुभवी तो मांझी और कुशवाहा। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी से हर मामले में मांझी और ज्यादा विपक्ष में चेहरा बनने की काबिलियत है। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं, जिनको वो लोग नेता बनाना चाहते हैं अगले चुनाव में, उससे ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, ज्यादा पॉलिटिकल लाइफ मांझी जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो निश्चित रूप से अगर किसी को नेता उसी तरफ से बनना ही हो तो इन लोगों का रिकॉर्ड कहीं बेहतर है जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जरूर कंसीडर इन लोगों को भी करना चाहिए विपक्ष में।
नहीं, लालू जी का नजरअंदाज करना क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? लालू जी का अब तो इनका अपना इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पटना में कोरोना की जद में पुलिस वाले भी आने लगे हैं। पटना के जक्कनपुर थाना का ड्राइवर और पीरबहोर इलाके के एक युवक समेत 6 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। शुक्रवार को पटना के नौबतपुर इलाके के रामजी चक के एक ही परिवार के 3 लोग और एक अन्य बच्चा भी कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद पटना जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 306 हो गई है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप बने रहिए SDF न्यूज के साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार बीजेपी की देर रात हाई लेवल मीटिंग शुरू हुई। प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार बैठक में प्रदेश कार्य समिति के गठन, बिहार में विधान परिषद की खाली हुई सीटों पर उम्मीदवार चयन के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की खबर है। बताया जाता है कि अचानक रात 9 बजे के बाद आनन फानन में बैठक बुलाई गई। मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते गर्मी के साथ AES का कहर भी लगातार बढ़ रहा है। AES से पीड़ित 3 बच्चों को इलाज के लिए SKMCH के पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है। पिछले 2 जून से AES से पीड़ित बच्चों की वृद्धि हो रही है। वहीं तेज बुखार सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित 30 बच्चों का इलाज SKMCH के पीकू वार्ड में चल रहा है। वहीं SKMCH अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि 3 नए बच्चों में AES की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज पीकू वार्ड में हो रहा है। अभी तक इस वर्ष AES के लक्षण 48 पीड़ित बच्चों में पाए गए हैं, जिससे 8 बच्चों का इलाज पीकू वार्ड में चल रहा है। वहीं 5 AES से पीड़ित बच्चे की मौत SKMCH में हुई और 1 बच्चे की मौत केजरीवाल अस्पताल में हुई है। वहीं 35 बच्चे स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। इसमें टोटल 48 पेशेंट भर्ती हुए हैं, जिसमें कि 8 अभी वार्ड में हैं जिनका इलाज चल रहा है और 35 डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। और पहले से जो 5 मौत है वही मौत अभी तक है, और इन बच्चों का इलाज चल रहा है, लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के जयराम शाह रोड स्थित प्रिया टिम्बर से लकड़ी चुराते चोर की CCTV फुटेज आया सामने, जहां बताया जाता है कि प्रिया टिम्बर में कुछ दिनों से लगातार लकड़ी की चोरी की खबर मिलती थी, जहां टिम्बर मालिक ने जब CCTV कैमरा देखा तब असलियत सामने आई। वहीं टिम्बर मालिक चोर की पहचान करने में जुट गई है। अच्छा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी में चालक
सिपाही की बहाली के लिए 13 जून यानी शनिवार से ई प्रवेश पत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट से प्रवेश पत्र को डाउनलोड किया जा सकता है। बिहार गृह रक्षा वाहिनी में चालक सिपाही की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 जुलाई से होगी। वहीं होमगार्ड में चालक सिपाही के 98 पदों के लिए दिसंबर 2019 में लिखित परीक्षा हुई थी। 29 मई को इसका परिणाम घोषित करते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। चयन परिषद केंद्रीय चयन परिषद ने शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 3 जुलाई से इसका आयोजन गर्दनीबाग स्थित पटना हाई स्कूल मैदान में किया जाएगा। किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर पाता है तो 30 जून और 1 जुलाई को वह परिषद के बैंक हार्डिंग रोड स्थित कार्यालय से इसे प्राप्त कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री तथा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अगली बार मौका मिला तो बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे। हर घर बिजली पहुंचाने के बाद हर खेत तक बिजली पहुंचाने पर काम चल रहा है। अगली बार हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। कृषि प्रधान राज्य बिहार के लिए यह बहुत बड़ा काम होगा। जीतने पर और भी जो बड़े काम होंगे उसकी घोषणा विधानसभा चुनाव से पहले ही कर देंगे। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें हमारे साथ। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा, हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ, रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये पशुओं का है संतुलित आहार, परिवार में आई खुशहाली सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया सोना गोल्ड ही लाना, बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ खूब कमाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर झारखंड से है, जहां सरकार अगले हफ्ते से कपड़ा, जूता दुकान, रेहड़ी, ठेले और सैलून को खोलने की छूट देने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन शुक्रवार को उनसे मिलने पहुंचे झामुमो के प्रतिनिधिमंडल को दिया है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उपरोक्त दुकानों को खोलने के साथ साथ बस संचालन शुरू करने की मांग की। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने की भी मांग की है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड वासियों के लिए 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने का समर्थक था, अब भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा, इसी आधार पर स्थानीय नीति बनेगी भी, केवल उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो चंदन कियारी के हुचुक डी में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। अब खबर बिहार से। बेतिया मुख्य पथ पर नगर थाना क्षेत्र के टेंगराहा पुल के पास शुक्रवार की दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने दवा व्यवसायी के कर्मी को गोली मारकर 10 लाख रुपए लूट लिए। गोली लगने से बुरी तरह घायल दवा व्यवसायी के कर्मी को इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। यहां से प्राथमिकी उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बेतिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान नरकटियागंज पुरानी बाजार वर्मा चौक निवासी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी शंकर गुप्ता के पुत्र सूरज कुमार गुप्ता उम्र 26 वर्ष के रूप में की गई है। टाउन डीएसपी ज्ञान रंजन के नेतृत्व वाली एसआईईटी ने
शुक्रवार को मोस्ट वांटेड स्नैचर पिटला 28 वर्ष को पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के मोहनडी स्थित घर से गिरफ्तार किया है। डीएसपी की सूचना पर एसआईटी में शामिल सेक्टर 4 इंस्पेक्टर राजीव कुमार वीर ने पुलिस फोर्स के साथ घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस फोर्स को देख पिटला सहयोगियों के साथ भागने की कोशिश की। शुक्रवार को उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डीएसपी ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी, कहा कि पिटला के खिलाफ जिले के सहरी थाना में 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी बोकारो पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। गिरोह के 4 सदस्य धनबाद एवं चास जेल में बंद हैं, जबकि 1 सदस्य को अपने ही गिरोह के साथी की हत्या में उम्र कैद की सजा हजारीबाग सेंट्रल जेल में काट रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।